परसेप्शन ये है ना कि जो यहाँ रहता होगा वो काहे नहीं गिर जाता है, इसका कारण जब गोल है तो बिछला क्यों नहीं जाते हैं, समस्या समझिए। तो पृथ्वी इतनी बड़ी है कि आप इसका घुमाव देखने के लिए, अच्छा मैंने तुमको कहना है कि हम लोग इस पर उलट काहे नहीं जाते हैं, यही ना सीधा बोल नहीं सके उलट काहे नहीं जाते, इतना समझाते काहे हो, इसका कारण जब गोल है तो बिछला क्यों नहीं जाते हैं, समस्या समझिए। ये बोर्ड जो है बोर्ड चौकोर है, चौकोर है ना, लेकिन अगर हम इसमें सट के देखें, अब बताओ हमको क्या दिख रहा होगा, पता नहीं चलता होगा कि गोल है कि कौन चीज है, नहीं समझे। तो जब हमारे सामने कोई चीज बहुत बड़ी हो उसके आगे अगर हम नगण्य हो तो वो चपटा ही फील होता है। तो पृथ्वी इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी कि आप इसका घुमाव देखने के लिए हवाई जहाज से ऊपर जाना पड़ेगा, वो भी अंतरिक्ष में जाना पड़ेगा, तब जाके घुमाव देख सकते हैं। जैसे जैसे कोई चींटी है, उसको हमारा यहाँ मथवा पे बैठा दीजिए, उसको क्या पता कि अगवा से घूमना है, वो तो चलते जाएगी धीरे 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 धीरे, उसको पता चलेगा कि यहाँ से कर्व हुआ है, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि माथा यहाँ से क्या है, कर्व है, क्या है, कर्व है। तो हम कोई भी चीज गोल है या चपटी है तभी बता सकते हैं जब हमें एक ही बार में वो पूरा पूरा दिखाई दे। तो क्या हमें पृथ्वी पूरा पूरा दिखती है, लेकिन चंद्रमा पूरा पूरा दिख जाता है, ढाई दे बता देते हैं गोल है, सूरज फटाक से बता देते हैं गोल, लेकिन चंद्रमा पर उतर के चंद्रमे नहीं दिखेगा यहां पर, नहीं समझ आया। मतलब पृथ्वी गोल, पहले उस पर रुकिए कि हम लोग गिरते क्यों नहीं यहां तक, खींच के रखा है ग्रेविटी, ग्रेविटेशन फोर्स खींच के रखा है, वो गिरने ही नहीं देगा। अब इनका सुनिए ध्यान से, अभी पहले इसको समझाए, इबनी का क्वेश्चन ये है ना कि जो यहाँ रहता होगा वो काहे नहीं गिर जाता है, किसके वजह से, ग्रेविटी, ये आदमी कूदता होगा ना तो वापस खींच लेता है, यहाँ से कूदेगा नीचे तो वापस खींच लेगा, और यहाँ से कोई कूदेगा तो वापस खींच लेगा। अगर पृथ्वी की ग्रेविटी खत्म हो जाए तो केवल ये वाला आदमी नीचे नहीं गिरेगा बल्कि ये वाला आदमी भी ऊपर तैरने लगेगा, जैसे गुब्बारा क्या हो जाता है, तैर जाता है। तो इसको बबनी को टेंशन इस बात का नहीं कि इधर वाला कहाँ जाएगा, बबनी को टेंशन इस बात का है कि इसका क्या होगा। तो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाएगी तो पृथ्वी का ग्रेविटी छोड़ देगा और ऊपर वाले ऊपर तैर जाएंगे और नीचे वाले नीचे तैर जाएंगे। एक और चीज बोली आपको, सागर काहे नहीं चल जाता, यही ना, अंतरिक्ष का कहीं जगह नहीं है, आप पृथ्वी पर अंतरिक्ष खोज रही हैं। अरे बबनी तुम कहां कंफ्यूजन में है, तुम पूरा यहां पर,